बुनियादी तौर पर खानदानों के अंदर क्या होता है, बदजुबानी से हालात खराब हो जाते हैं, बेजा तकबर और बड़ाई, मसनबाज का शोहर अपने आप को, मेरा मतलब है, बहुत बड़ा समझता है, और बाज़ का खातून अपने फजाइल बयान करती है, नतीजतन टकराव पैदा हो जाता है। और इसी तरह एक नुकता जिससे ये खराबियां पैदा होती हैं वो कंपैरिजन है, फलां तो ऐसा है आप ऐसे क्यों नहीं है, फलां तो ऐसी है आप ऐसे क्यों नहीं है, ये कंपैरिजन दुरुस्त नहीं है। आप कुलियात को लें और इन कुलियात जो है वो दीन और दीनी जो शख्सियात हैं उनकी जिंदगी से उसको हमें अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। चौथा जो पॉइंट मैंने गालिबन इशारा भी किया है वह है इन्वॉल्वमेंट। होता यह है कि बाहर के तबसरे, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, इधर के उधर के, मतलब वो जो एक खास फैमिली है मियाँ बीवी और उनके बच्चे, उससे बाहर जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो मामलात खराब होते हैं। लिहाजा इन तीनों हवालों से हमें बहरहाल है थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है। कुछ जिम्मेदारियां जाहिर है कि शोहर की हैं, कुछ जिम्मेदारियां जौजा की हैं, खातून की हैं, इसी तरह मिल मिला के, लेकिन बुनियादी जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है वो शौहर की जिम्मेदारी है। अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, कव्वाम का माना है मैनेजर, कव्वाम का माना है इस छोटी सी आबादी के अंदर ये शख्स है जो राहबर है। एक राहबर में, एक लीडर में क्या खसूसियात होनी चाहिए, इंशाल्लाह इस पे अपनी अगली नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा असल में पहला मरहला वही डायग्नोस करना है, हम में से हर कोई आदमी जायजा ले कि मुझ में कौन सी खराबी पाई जाती है और इसको मुझे हाउ टू एड्रेस एंड हाउ टू टैकल, इस बीमारी को मुझे कैसे। अव्वल तो ये मुश्किल होती है, हम एक अजीब और गरीब खुद से एक खुद सताइशी का शिकार होते हैं, जिसमें होता यह है कि एक गुरूर ये भी होता है कि मुझे तो सारे मसाइल पता है, मैं मुझे तो जरूरत नहीं है कि कोई मुझे नसीहत करे। ये जी भी एक अजीब और गरीब किस्म का तकब्बुर है जो नहीं होना चाहिए। इन केस फर्ज किया कि कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा तो वो फिर ड्राइविंग वाला उसूल है, कम अज कम मेरी ड्राइविंग ठीक हो, मैं सब्र से। और ये देखें दुनिया जो है ना, जिंदगी की मिसाल मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, ये एक दरिया की मानंद है। दरिया जो है वो मुख्तलिफ किनारों से, मुख्तलिफ जंगलों से, मुख्तलिफ घाटियों से, मुख्तलिफ मैदानों से, सहराओं से गुजरता गुजरता अपनी मंजिल तक पहुंचता है। असल जिंदगी अजीन है, अजीन यानी अल्लाह ने गूंथी हुई है, मिक्स की हुई है मुश्किलात के साथ। अल्बत्ता जाहिर है कि ये मुश्किलात जो है वो हर इंसान की मुख्तलिफ हैं, उससे मरबूत मुश्किलात हैं। लिहाजा मतलब हर मोमिन का हम अल्लाह ने इम्तहान भी लेना है उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए, उसको आखिरत में इंशाल्लाह बड़े मकामात देने के लिए, तो इंशाल्लाह सब्र, हिम्मत और वकार के साथ मुकाबला करने की जरूरत है।